हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JNC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें दो चार्जेस दे रखे हैं, Q1 और Q2। Q1 है -1 माइक्रोकूलम, Q2 है +1 माइक्रोकूलम। Q1 को रखा गया है x=0 पर और Q2 को रखा गया है x=1 पर। अब फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम बनाते हैं, है ना, दो चार्जेस मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। अब क्या किया गया फ्रेंड्स, हमसे बोला गया कि एक तीसरा चार्ज है ना Q3 +1 माइक्रोकूलम का, इसको इन्फिनिटी से उठा करके लाना है x=2 पर। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, कितना काम करना पड़ेगा इस Q3 चार्ज को अनंत से उठा करके x=2 पर लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले आप इसको क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। फ्रेंड्स, जब भी सिस्टम ऑफ चार्ज में वर्क डन की बात होती है तो हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जब भी सिस्टम ऑफ चार्ज में वर्क डन की बात होगी तो हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2 जो कि a डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच का इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो होती है K Q1 Q2 by A। अब फ्रेंड्स, अगर इसमें एक और चार्ज ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसमें हमें दो टर्म और ऐड करनी पड़ेंगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों चार्जेस के बीच की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, और जब तीसरा चार्ज ऐड कर देंगे तब इसके और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म और ऐड हो जाएंगी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि तीसरे चार्ज को इन्फिनिटी तक यहाँ तक लाने में Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट जो वर्क किया जाएगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Q1 के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाएगा, है ना, वो क्या बन जाएगा, मान लीजिए ये Q3 चार्ज है, तो जो Q1 के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या बन जाएगा, K Q1 Q3 by A, और Q2 के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या बन जाएगा, K Q2 Q3 by A। तो इस तरह से अब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें दो टर्म ऐड हो जाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, वर्क डन रिक्वायर्ड क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस सिस्टम की, कितनी होगी, Q1 Q2 K by A। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by A। तो K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे क्योंकि पहले करेंगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो Q1 की वैल्यू रख लेते हैं कितनी है, -1, तो -1 रख लिया। Q2 की वैल्यू कितनी है, +1, तो +1 रख लिया। इंटू फ्रेंड्स माइक्रोकूलम में है दोनों, है ना, दोनों माइक्रोकूलम में है, 1 और -1, तो
तो 10^-6, 10^-6 कितना हो जाएगा, 10^-12। और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, ये वाली x=0 to x=1, 1, तो इसको 1 पुट कर लिया। तो ये क्या हो गया, k × -k × 10^-12। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -k × 10^-12। और बात करें अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, दो टर्म और ऐड हो जाएंगी जब हम इस Q3 चार्ज को उठा करके लाएंगे x=2 पर। तो इस सिस्टम में है ना, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, कितनी होगी, दो टर्म उसमें और ऐड हो जाएंगी। तो k Q1 Q2 by A12, ये तो पहले वाली ही पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस अब क्या होगा, Q3 को लाया गया है Q1 के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, k Q1 Q3 by A13। A13 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 1 और 3, k Q1 Q3 by A13 प्लस k प्लस Q2 का अगेंस्ट कितना काम किया जाएगा, k Q2 Q3 by A23 है ना, k Q2 Q3 by A23। A23 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 और 3। इस चार्ज को यहाँ पर लाया गया है, डिस्टेंस कितनी है, ये वन है। A12 की बात करें अगर, तो 1 और 2 के बीच कितनी डिस्टेंस है, 1 है। और A12 क्या है, वो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है। इसी तरह से A13 क्या है, A13 है 1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस, कितनी, 1 और 1, 2 है ना। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसी तरह से 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये Q2 है और ये यहाँ पे Q3 आ गया, कितनी डिस्टेंस है, 1। तो A23 की वैल्यू क्या है, 1। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, और Q1 Q2 सब की वैल्यू तो अपने को पता ही है। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू -1, Q2 की वैल्यू +1 और × 10^-12 डिवाइड में A12 की वैल्यू 1 प्लस Q1 की वैल्यू -1, Q3 की वैल्यू +1 है ना, Q3 +1 माइक्रो कूलम है, +1 × 10^-12 डिवाइड बाई 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 और 1 है ना, 1 और 1, ये टोटल डिस्टेंस 1 और 1, 2। तो 2 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, +1, Q3 की वैल्यू कितनी है, +1 × 10^-12 क्योंकि दोनों माइक्रो कूलम में है, डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, Q2 और Q3 के बीच की, 1। अब ये कितना है, -k/2 और ये कितना है, k है ना, ये कितना है, k। इसको अगर ऐसे लिखें तो ये कितना है, -k, ये कितना है, -k/2 और ये कितना है, +k। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा अपने पास कितना, -k/2। तो -k/2 × 10^-12। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल करेंगे तो -k/2 माइनस वहाँ पर कितना था, -k था, तो -k × 10^-12। तो ये क्या हो जाएगा, -−+k, तो -k/2 + k = +k/2, तो k/2 × 10^-12। k की वैल्यू होती है 9 × 10^-9 फॉर एयर और वैक्यूम, 9 × 10^-9 × 10^-12, 10^-12 तो पहले चला रहा था, डिवाइड बाई टू। तो ये 10 × 12 कितना हो जाएगा, 10^-3 और ये 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5।
तो 4.5 × 10⁻³ जूल या फिर 4.5 मिली जूल, इतने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी Q3 को इन्फिनिटी से x = 2 पर लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जाम्पल था। आई होप आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।